theorem, if C equal cardinal number of an uncountable set, then C multiply C equal to C or C square equal to C. प्रूफ देखें. लेट A इक्वल क्लोज्ड इंटरवल 0 1. अब क्लोज्ड इंटरवल का जो कार्डिनल नंबर है वो C होता है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ A इक्वल टू C फॉर एक्स वाई बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1 वी कैन राइट. अब देखें इस क्लोज्ड इंटरवल के जो एलिमेंट हैं वो डेसिमल की फॉर्म में होंगे, तो x इक्वल आ जाएगा 0.x1 x2 x3 अप टू सो ऑन और y इक्वल आएगा 0.y1 y2 y3 अप टू सो ऑन. और ये जो x i y i है ये बिलोंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी x i y i ये वाले डिजिट होंगे फॉर ईच i एंड j. ठीक है, हर i j के लिए x i y i हमने सिर्फ यही वाले डिजिट लेने हैं. डिफाइन करें f फ्राम a क्रॉस a टू a एज f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0.x1 y1 x2 y2 x3 y3 अप टू सो ऑन. इफ़ x क्या है 0.x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, y है 0.y1 y2 y3 अप टू सो ऑन फॉर ईच ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग टू a क्रॉस a. अब इस फंक्शन को हमने 1 1 प्रूव करना है, तो हम 2 प्री इमेज लेंगे. आर्डर पेयर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस ए को. विद एक्स वाई नॉट बिलोंग टू एक्स डैश वाई डैश इम्प्लाइज एक्स नॉट इक्वल टू एक्स डैश वाई नॉट इक्वल टू वाई डैश. सपोज कर लें एक्स नॉट इक्वल टू एक्स डैश, देयर फोर देयर एग्जिस्ट आई सच डैट एक्स आई नॉट इक्वल टू एक्स आई डैश. आप देखें लेट करें x इक्वल है 0.321 अप टू सो ऑन और x डैश है 0.132 अप टू सो ऑन. अब देखें x के अंदर जो x1 है ये 3 है, x डैश के अंदर x1 डैश ये 1 है, तो 3 नॉट इक्वल टू 1, इसलिए x नॉट इक्वल टू x डैश. अब x इक्वल है 0.x1 x2 x3 अप टू सो ऑन और x डैश है 0.x1 डैश x2 डैश x3 डैश अप टू सो ऑन. अब देखें f ऑफ एक्स वाई इक्वल आएगा, अब x ये है और y है 0.y1 y2 y3 अप टू सो ऑन, ये हमने ऊपर लिखा था. तो अब f ऑफ एक्स वाई इक्वल आ जाएगा बाय डेफिनेशन 0.x1 y1 x2 y2 अप टू सो ऑन और ये जो f ऑफ एक्स डैश वाई डैश है ये इक्वल आएगा 0.x1 डैश y1 डैश x2 डैश y2 डैश अप टू सो ऑन. अब देखिए ये जो x था ये नॉट इक्वल है x डैश के, सो ये जो 0.x1 y1 x2 y2 अप टू सो ऑन है नॉट इक्वल टू आएगा 0.x1 डैश y1 डैश अप टू सो ऑन. अब ये इक्वल है f ऑफ एक्स वाई के और ये इक्वल है f ऑफ x डैश y डैश के, तो ये दोनों नॉट इक्वल होंगे. तो हमने 2 प्री इमेज लिए जो नॉट इक्वल हैं और शो कर दिया कि इनके जो इमेजेस हैं वो भी नॉट इक्वल हैं, इसलिए ये जो फंक्शन हमने लिया है ये 1 1 होगा. तो अगर ये फंक्शन 1 1 है तो फिर देखें ये फंक्शन हमने लिया था a क्रॉस a टू a पे. अब ये जो a क्रॉस a से f ऑफ a क्रॉस a पे हमने ये फंक्शन डिफाइन किया, तो ये फंक्शन 1 1 है, तो ये जो a क्रॉस a है ये इक्विवेलेंट होगा f ऑफ a क्रॉस a के. अब ये जो f ऑफ a क्रॉस a है ये सबसेट है सेट a का, यानी इस फंक्शन के जो इमेजेस आएंगे वो सेट ए को बिलोंग करेंगे. अब ये फंक्शन हमने जो डिफाइन किया वो 1 1 है, इसलिए ये जो ए क्रॉस ए है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा एफ ऑफ ए क्रॉस ए के और एफ ऑफ ए क्रॉस ए सबसेट है ए का. तो देखें ए क्रॉस ए इस सेट ए के सबसेट के इक्विवेलेंट है, तो इसलिए ए क्रॉस ए सेट ए को प्रिसीड करेगा. अगर ए क्रॉस ए सेट ए को प्रिसीड करेगा इट्स मीन इसका जो कार्डिनल नंबर है सी मल्टीप्लाई सी, सेट ए का भी कार्डिनल नंबर सी इस ए का भी सी, तो सी मल्टीप्लाई सी लेस आर इक्वल आ जाएगा इस ए के कार्डिनल नंबर सी से. इसको इक्वेशन 1 कह दें. अब देखें वी नो डैट ए इक्वलेंट टू 0 क्रॉस ए, तो ये इक्विवेलेंट ये सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो इस सूरत में देखें ये जो ए है वो इक्विवेलेंट है इसके और ये सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो अब ये जो ए है वो ए क्रॉस ए को प्रिसीड करेगा। तो देखें अब ए का जो कार्डिनल नंबर वो सी है, ये लेस आर इक्वल होगा ए का कार्डिनल नंबर मल्टीप्लाई ए का कार्डिनल नंबर, यानी सी लेस आर इक्वल आ जाएगा सी स्क्वायर के। अब ये इक्वेशन 2 है। अब 1 और 2 को आप कंबाइन करें तो ये सी डॉट सी इक्वल आ जाएगा सी स्क्वायर के, आर सी स्क्वायर इक्वल टू सी। तो ये थ्योरम प्रूफ होगी।